हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि हैंड कट्स जो बहुत ही कॉमन इशू है किचन में काम करते वक्त या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, हम लड़कियों के साथ ये हो ही जाता है। कभी थोड़े छोटे कट्स हो जाते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा कट हो जाता है। तो मैंने कैसे क्योर किया विथ मेडिकल ट्रीटमेंट और ख़ुद से, वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करूँगी। बने रहिए एंड तक, क्योंकि हर सेकंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि अगली बार से जब भी आपको या आपके दोस्तों को या रिश्तेदारों को कट लगे तो सबसे पहले वो उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह की चीज़ें जो है करनी चाहिए। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पर मार्क देख रहे हैं ना, इसे 4 दिन हो चुके हैं। ये मैंने कांच की चूड़ियाँ पहनी थी और कांच की चूड़ियाँ मेरे हाथों में टूट गई, जो चुभती हुई कटती हुई निकल गई, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा, जैसे ही मैंने फ़ौरन देखा ना, ब्लीडिंग होने लगी। तो मैंने सबसे पहले जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से अपने हैंड को प्रेस किया, जिस वजह से जो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने वाली थी ना, वो ब्लड फ्लो रुक गया वहीं पर। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से जो है दबाए रखा हाथों को और फिर खुद से ही घर पर नॉर्मल पट्टी करी। लेकिन जब मैंने देखी ना कि ब्लीडिंग हो ही रही है, तो मैंने डॉक्टर के साथ, सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि हाँ, हल्का सा जो है आपके वेन डैमेज हो गए हैं, जिस वजह से कि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो जब भी सबसे पहले कट को एग्जामिन कीजिए केयरफुली। इफ़ इट्स अ माइनर कट विथ लिटिल ब्लीडिंग, यू कैन लाइकली ट्रीट इट एट होम। फॉर डीपर और मोर सीवियर कट्स दैट वॉन्ट स्टॉप ब्लीडिंग, तो सो सीक मेडिकल अटेंशन इमिजिएटली। तो डॉक्टर ने मुझे ये 3 दिनों के लिए बैंडेज बांधा था और साथ ही उन्होंने एंटीबायोटिक्स दिए थे। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि अब आपको बस क्रीम लगाना है। एंटीबायोटिक्स के भी मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिए, तो मैंने कोई भी केमिकल बेस्ड क्रीम अप्लाई करना नहीं चुना। मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से आयुर्वेदिक तरीके से होम रेमेडी करूँगी अपने कट्स पर। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि अपनी ये जर्नी आपके साथ भी। तो होम रेमेडी के लिए सबसे बेस्ट है एलोवेरा। मैं यहाँ पर प्लांट बेस्ड एलोवेरा ले रही हूँ। एलोवेरा आपके वॉन्ड्स के कोलेजीन को इंक्रीज़ करता है, जिस वजह से कि वॉन्ड हील होने में बहुत ही ज़्यादा जल्दी हील होता है। और इसके साथ ही सबसे पहला एंटीसिपेटिंग हम ले लेंगे, जिसके लिए हम बनाएंगे 1 कप हमने मेज़र करना है उसी कैप से डिटॉल के, डिटॉल और साथ में 4 से 5 कप हम जो है इसमें पानी डाल देंगे। आप चाहें तो आधा कप भी पानी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही आप डिटॉल या सेवलॉन कोई भी ले लीजिए, इसमें कॉटन डिप कीजिए और अपने वॉन्ड को क्लीन कर लीजिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है क्लीनिंग होता है, क्लीन कीजिए कट को बहुत ही अच्छे तरीके से। आप चाहें तो नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं, ये आपके डर्ट को बहुत ही ईजली जो है निकाल देता है। और आपके जो भी माइनर सेल्स डैमेज हो जाते हैं ना, उसे भी साथ में ये निकाल देता है। जब आपको नॉर्मल कट लगे ना सिर्फ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लीन करना है कट को और उसके बाद ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। उसके साथ ही आपको कोई भी अप्लाई एंटीसिपेटिक, अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गया है तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट कोई सा भी लगवा लीजिए, जो कि आपके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। साथ में कवर कर दीजिए जख्म को, जिससे कि जो भी बाहरी गंदगी है वो नहीं लगे। और इसके बाद आप देखिए, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये माइनर कट के लिए है बिल्कुल। इसके बाद जैसा मुझे ना थोड़े से डीप कट लग गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 2-3 स्टेप्स किया है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एलोवेरा जेल को छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिया, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, ये हफ्ते भर का है। इसे मैं 1 हफ्ता तक सेम एलोवेरा जेल को जो है 1-1 क्यूब्स रोज़ लेकर अप्लाई करूँगी। एलोवेरा जेल में होती है सूदिंग प्रॉपर्टीज़, इसकी आपको एक थिन लेयर लगानी है अपने स्किन पर। और या फिर आप हनी भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी डायरेक्टली टू द वॉन्ड एंड कवर इट विद अ बैंडेज। हनी में जो है नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है। साथ ही साथ आप जो है टर्मरिक पेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। टर्मरिक को बस पानी में हल्का सा मिक्स करके अप्लाई कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ। पूरे स्कार पर अच्छी तरीके से मसाज करते हुए एलोवेरा क्यूब से मैं एक थिन लेयर अप्लाई कर लूँगी, जब तक कि इसके जेल ना ड्राई नहीं हो जाते हैं। और इसके बाद मैं इसे 1/2 आवर तक या फिर 1 घंटे ऐसे ही छोड़ दूँगी और फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। ये चीज़ें ना मैं दिन में 3 से 4 बार कर रही हूँ बिल्कुल रिपीट मोड पर। और जब तक ये सूख नहीं जाता है, ये ड्राई नहीं हो जाता वॉन्ड, तब तक जो है हम रिपीट करते रहेंगे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि आप एलोवेरा क्यूब्स को फ्रिज कर दीजिए, फ्रिज में रखिए, बिल्कुल उसके जितने भी गुण है ना वो उसमें बने होते हैं। आपको प्रोफेशनल मेडिकल कप लेना चाहिए, आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपके कट बहुत ज़्यादा डीप हो और बहुत ज़्यादा डीप गैप आपको दिख रहा हो, ब्लीडिंग आपका स्टॉप नहीं हो रहा हो, साथ ही साथ इन्फेक्शन बढ़ गया हो, जैसे रेडनेस, सोयलिंग और पस जैसी चीज़ें आ गई हो और आप क्लीन नहीं कर पा रहे हो, तो आप
बिल्कुल प्रोफेशनल की मदद लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, घर में ट्रीटमेंट मत कीजिए। तो 2 दिनों के बाद, मैंने 2 दिनों तक ऐसे ही करती रही मैं, और 2 दिनों के बाद ये कुछ इस तरीके के वॉन्ड्स आपको दिख रहे होंगे। मैंने वही फ्रिज वाला एलोवेरा जेल उठाया और उसे जो है सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रही हूँ यही चीज़ें, और 3 दिनों के बाद मैं आपको अब रिज़ल्ट दिखाती हूँ मेरे हैंड पर्स का। ये जैसा आप देख सकते हैं, ये 3 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है। जितने भी एक्स्ट्रा स्कार्स थे वो सारे निकल गए हैं, जो भी डेड स्किन थे वो सारे निकल गए हैं, ज़ख्म बिल्कुल भी पूरी तरीके से ये ठीक हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और दबा के शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि अगले टाइम उनको भी इसकी ज़रूरत अगर पड़े तो हेल्प कुछ हो सके। यार स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।